गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ सात दान का हिसाब पढ़ेंगे और समझेंगे। दान दान क्या होता है? दान वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ अपने मन से, अपनी खुशी से, अपनी कमाई के हिस्से से किसी को देते हैं तो उसको हम दान कहते हैं। चाहे वो पैसा है, अनाज है, या कुछ भी है, जिसको हमारी मन की खुशी से जिसको दिया जाए उसे दान कहा जाता है। तो इसमें कहानी पढ़ते हैं कि ये कहानी क्या है। एक था राजा। राजा जी लथपथ कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। कह रहे हैं कि एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों पर तो खर्च करते थे, लेकिन किसी को देते समय उनकी मुट्ठी बंद जाती थी, किसी को दान नहीं देना चाहते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। कह रहे उनकी राजसभा में बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन जो इज्जतदार थे, दुखी थे, जिनको ज़रूरत होती थी, वो वहाँ नहीं आते थे, क्योंकि राजा उनकी इज्जत नहीं करता था, उन्हें कोई सम्मान नहीं देता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक बार उनके देश में एक हिस्से में अकाल पड़ गया। अकाल माने सूखा पड़ जाना, जिस पे राजा कहने लगा, ये तो भगवान की मारे से मेरा कोई दोष नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। लोग उसके पास मदद मांगने आए कि अपने भंडार से हमें भी कुछ दे दीजिए। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि ही भूकंप आया है। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो राजा ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। एक तरीके से राजा ने कहा कि मदद नहीं की और सबको मदद करने से मना कर दिया कि सबकी मदद करते करते तो मेरा सारा खजाना ही खत्म हो जाएगा। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। गुहार लगाना माने मदद करने के लिए कहा कि दुहाई महाराज, आपका भला हो, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। वो राजा से फिर मदद मांगने के लिए पहुँचे कि कुछ भी नहीं तो 10,000 रुपये हमें दे दो, जिससे हम काम खा के भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रह के भी लाभ ही क्या है? कह रहे कि क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे 10,000 रुपये? और जब तुम्हें कष्ट हो ही रहा है तो फिर थोड़ा कष्ट और सह लो। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से अगर एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। जब उनसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, इसे किसी जरूरतमंद को मदद कर दो, अपने फूलों वूलों में, अपनी सजावट में तो खर्च कर दो, तो राजा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए तुम इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। राजा ने उन्हें डांटा कि मेरा पैसा है, चाहे मैं इसे खाऊं, चाहे मैं फेंकूं, मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे फालतू की सलाह मत दो, बकवास मत करो, फालतू की बातें मत करो और यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों को खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 200-100 से इनका पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। राजा ने कहा, अगर थोड़ा बहुत पैसों की बात होती तो शायद मैं उनको दे भी देता। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें।
अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक एक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना और फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले कितना दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो हाँ, तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम तो पहले ये बताओ कि पहले दिन कितना लोगे, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, क्योंकि सन्यासी ने कहा था कि मैं रोज़ बड़ा बड़ा के दुगनी करके रकम को लेता हूँ। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन का राजकोष से उन्हें भिक्षा दे, 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। उन्होंने कहा मैं पहले दिन 1 रुपया लूँगा, तो उन्होंने सोचा 1 रुपये का दुगना कितना होगा, तो उसको देने की आज्ञा दे दी। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए वापस लौट गया, यानी खुशी खुशी वापस चला गया। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को शिक्षा देने भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक शिक्षा भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा था। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, यानी परेशानी होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान देते नहीं, उसने यह बात मंत्री को बताई, क्योंकि जो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था उसके यहाँ से बहुत सारा रुपया निकलने लगा था। मंत्री ने कुछ सोचते हुए, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई, मगर अब कुछ उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। आपस में डिस्कस करके कह रहे कि अब जो राजा ने कह दिया उसको तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ दिन फिर धीरे भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेके, भंडारी जो राज भंडार से उसको भिक्षा दे रहा था, वो मंत्री को हिसाब देने आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि संदेह रह गया कि इतना पैसा निकल गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब करो। उसने कहा कि बहुत पैसा निकल रहा है, अगर अभी इतना निकल गया, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, तो जल्दी से हिसाब करके मुझे ये बताओ कि कितने दिन में ये पैसा कितना हो जाएगा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी ने उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, तो उन्हें कहा आपने जो हुक्म दिया उसके अनुसार अगर हम देते रहेंगे तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। राजा को पूरा हिसाब बताया उन्होंने कि इस तरह देते रहने से हमारा इतना पैसा चला जाएगा, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष के करीब 10 लाख रुपये झटने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। राजा गुस्सा आ गया कि इतने रुपये क्यों दे रहे हैं, मैंने तो कहा था कि दे देने, उतने ही देना जितना मांग रहा। तो मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। जब वो राजा होश में आए, देख के हिसाब के, अरे बाप रे, तो बहुत पैसा चला जा रहा है, जो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था इतना हिसाब। वो सुन के बेहोश हो गया। उसके बेहोश होश में आने के लोग उस बाबा को ढूंढने के लिए चले गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते रोते उसके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। कहने लगे, महाराज
मैं मान गया आपको, आपकी दुहाई है, मुझे मेरा पूरा जान माल मत हाथ मत लीजिए, कोई एक समझौता कर लीजिए, वाला एक बात पे सहमत हो जाइए और मैंने जो आपको वचन दिया उससे मुझे आज़ाद कर दीजिए। क्योंकि एक बार जब आजा वचन दे दिया जाता है तो भी राजा लोग उसको बहुत मानते थे, इतना तो पहले से बहुत चलता था बात की, जो जवान से निकल के उसे मानना। तो राजा से विनती करने लगा सन्यासी से कि प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मगर अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी जाए तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, वो फिर भी उससे अग्रीमेंट कर रहा है। राजा ने कहा उसने कहा चलो ठीक है सन्यासी, 50,000 रुपये देके मानने को तैयार हो गया कि उनकी सहायता कर लूँगा। तो राजा वहाँ भी सोच रहा कि कम पैसा मुझसे ले। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गड़ाया, मंत्री गिड़गड़ाए, सभी गिड़गड़ाए, गिड़गड़ाना मतलब बहुत मिन्नतें की उनसे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, महाराज हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता था कि ये पैसा सन्यासी ने किस तरीके से निकलवाया है, लेकिन जब ये पता चला कि राजकोष से 50,000 रुपये सहायता के लिए दिए गए हैं तो सब लोग बड़े खुश हुए और महाराज कर्ण जैसा उसको कहने लगे ये तो कर्ण है हमारे महाराज कर्ण। ये कहानी है, ये सुकुमार राय ने लिखी हुई है, कहानी को ध्यान से पढ़िए।